ठीक है, इसको अगर आप काट दोगे थ्री वन सा थ्री, जीरो सिक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो आपकी अप्रोक्सीमेटली पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक दैट इज इक्वल टू 52.4, राइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें डेरिवेशन इन तीनों में से किसी भी एक की आ सकती है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। सो सिंपल क्यूबिक हमारा हो गया क्लियर, फेस सेंटर क्यूबिक हमारा एफसीसी अरेंजमेंट। सो यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स प्लस एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। तो हम लोग सिर्फ एक ही फेस कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर वाला, राइट। सो अगर आप ऊपर वाला फेस देख रहे हो तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डायगोनल पे प्रेजेंट है, ओके। सो आपके पास, हम इसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं बिकॉज वी आर सेइंग दैट दे ऑल आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, वी जॉइन बोथ द सेंटर्स, ठीक है। अब ये आर है, ये आपका टू आर है और ये भी आपका आर है, ठीक है। सो ये डायगोनल हमने किया था, अगर हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं और ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी, सो ये डायगोनल आपका ए सी है, ठीक। और ए सी आपका क्या आ रहा है, फोर आर, ओके। और आपने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में ए सी क्या कैलकुलेट करा था, ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a square। सो आपका ac कितना आया था, रूट ऑफ 2 into a, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी पे जाते हैं, अगेन फॉर्मूला, इन फेस सेंटर देयर आर फोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, सो वॉल्यूम ऑफ फोर स्क्वेयर्स, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज ए क्यूब इंटू 100। तो फोर स्क्वायर्स की आपकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 4 into 4/3 πr³ इंटू ए क्यूब। आप यहां से कैलकुलेट करोगे, यहां पे आपका आ गया 4r दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into a, 4r अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। सो ए क्यूब आपका क्या आ जाता है, ए क्यूब विल बी इक्वल टू 4 into 4 into 4 64, आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 2 into 2 is 2, सो नीचे आ गया आपका 2 अंडर रूट 2, यही आएगा ना। सो आपका ये ए क्यूब कितना आ जाता है, अब टू आर क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। सो आप ए क्यूब की वैल्यू डालो यहां पे, दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आपका कितना आ जाता है, दिस कम्स टू 74%, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है दैट इज इक्वल टू 74%, ठीक है। कर लोगे ना कैलकुलेट, ओके। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड जो आता है दैट इज बॉडी सेंटर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो क्यूबिक है उसके पास सिर्फ तीन ही प्रेजेंट है, वन इज योर बॉडी सेंटर क्यूबिक, वन इज योर फेस सेंटर क्यूबिक एंड वन इज योर सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सो जब हम बॉडी सेंटर पे आ जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और एक हमने यहां ले लिया सेंटर ऑफ द बॉडी, अब हमने कौन सा डायगोनल लेना है, एडी, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसमें आपका क्या आ गया,
डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो फिर हमको इसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो आपका ये आ रहा है, राइट। तो इसको हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब हमें पता है कि वॉल्यूम इसमें बॉडी सेंटर में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, टू, ठीक है। सो अगर आप टू ले रहे हो तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी दैट विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाती है 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब एडी आपका क्या है, या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका क्या था इन बॉडी सेंटर, डी इज इक्वल टू एंड रूट ऑफ 3, ठीक है। और रेडियस हमारा क्या था, ठीक है, 4 को ऊपर ले जाओ, 8, और अगर हमको 1 क्यूब लेना है तो क्या आ जाएगा, 64 आर क्यूब 3 √3 दैट इज इक्वल टू 8 क्यूब, ठीक है। सो लेट्स पुट डाउन द वैल्यू, वैल्यू आपके यहां पे क्या आ रही है, इंटू 3 √3 अपॉन 64 इंटू आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। सो आपका आर क्यूब और आर क्यूब कट गया, राइट। सो अभी आपका जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 × 16 आ गया, 2 8s आ गया। सो पैकिंग एफिशिएंसी इन दिस केस कम्स इक्वल टू 68.4 के करीब, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 68 और इन बिटवीन 68.2 to 68.4%, राइट। सो ये तीनों के डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स। ऑब्वियसली अगर पॉइंट्स हैं तो उसके साइजेस भी होंगे, ठीक है। सो साइजेस ऑफ tetrahedral and octahedral voids. The first relationship which we are going to do, that is between the relationship between octahedral voids and size of constituent atoms, radius of atoms. ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था कि जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या होगा कि आपके पास इस तरह से आपके 4 हमने एटम्स शो कर दिए, ठीक है। और जो आपका वॉइड ये बीच में बना इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे भी एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आपका इसका सेंटर और इसका सेंटर हम ज्वाइन कर लेंगे, ओके। अब ये जो आपका रेडियस है हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ द एटम, ठीक। यहां पे भी आपका रेडियस ऑफ द एटम आ गया, राइट। और स्मॉल आर से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस डिपेक्ट करेंगे। अब अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है सर्कल का तो 2R आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2R। अब अगर सपोज हम ये जॉइन करके अगेन ये ट्रायंगल हम एबीसी ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर ए, दिस इज योर सी, दिस इज योर बी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल एबीसी AC is equal to what? 2R + 2R, यही आ जाएगा,
और एफसीसी अरेंजमेंट में हमने क्या किया था, एसी आपका क्या है, रूट ऑफ टू इंटू ए, ये आपका एसी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जब हम लोग ए बी लेंगे तो व्हाट इज योर ए बी, एज लेंथ। ठीक है, सो ए बी आपका क्या आ रहा है, आर प्लस आर, सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, टू आर। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन वन, दिस इज योर इक्वेशन टू, दिस इज योर इक्वेशन थ्री एंड दिस इज योर इक्वेशन फोर। ठीक है, अब अगर हम लोग रेशियो ले लें एसी और एबी की, ठीक है, सो गेटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर, एसी अपॉन एबी दैट इज इक्वल टू व्हाट, टू आर प्लस टू आर अपॉन टू आर। ठीक है, बट एसी इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू ए। ठीक है, एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहां पे आपका ए और ए कट जाता है तो आपके पास क्या बचा, टू आर प्लस टू आर अपॉन टू आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू, यही एक्सप्रेशन हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका टू आर प्लस टू आर अपॉन टू आर है, इसको हम लिख सकते हैं एज वन प्लस आर अपॉन आर, टू आर प्लस टू आर अपॉन टू आर को हम लोग वन प्लस आर अपॉन आर लिख सकते हैं, टू इसमें कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, आर को हम लोग इससे न्यूमरेटर से पूरे से हटाएंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन वो आ जाएगा, वन प्लस आर अपॉन आर, वन प्लस आर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ टू। ठीक है, और आर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन। ठीक है, अंडर रूट टू आपका कितना आता है, 1.414 माइनस वन, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको आप इस साइड ले लो। राइट, आर अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1.414 माइनस वन, तो आपका आ गया 0.414। देयरफॉर द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू द 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, ये भी आपको डेफिनेट क्या कहते हैं इसको, डेरिवेशन जो है वो आ सकती है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ द। ठीक है, अब जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड लेना है तो हमने यहां पे अब बॉडी से सेंटर्ड क्यूबिक को कंसिडर करना है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी में आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स, प्लस वन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसी तरह से हमने ये डायग्राम बनाया विच इज एटी, राइट, सो द डायगनल इज एडी। अब ट्राइंगल अगर हम लोग लेते हैं एबीसी, व्हाट इज योर एडी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर ए आएगा और आपका ए सी क्या है अंडर रूट ऑफ टू इंटू ए दिस वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने रेशियो लेनी है ए सी आपका हमने बोला दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू ए और हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में किया था कि ए सी आपका क्या है तो उसमें फेस सेंटर था यहां पे आपके पास सिर्फ हमने ये कंसिडर करना है और हमने ये कंसिडर करना है सिर्फ टू वन आ जाएगा टू इंटू कैपिटल आर दैट इज गोइंग टू बी योर ए सी ठीक है। उसी तरह से आपका ए डी क्या आएगा आर प्लस आर ए डी आपका क्या आ जाता है वैसे बेसिकली आपका ए डी क्या है आर प्लस टू आर प्लस आर ठीक है। पर ए डी हमारा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैड डन अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू ए आर एफ ठीक है दैट इज योर ए डी आर प्लस आर आपका क्या आएगा आर प्लस आर हाफ ऑफ ए डी अगर हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं और ये आपका यहां पे वॉइड ले रहे हैं हम तो ये आपका वॉइड का स्मॉल आर हो गया इसका कैपिटल आर हो गया ये एडी का हाफ लिया है हमने यहां तक एडी आपका हाफ आ जाता है ना सो आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय टू ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ थ्री बाय टू इंटू ए यही आ गया ठीक है। सो योर टू एक्सप्रेशंस नाउ द फर्स्ट वन AC is equal to 2R. AC is also equal to under root of 2 into A. उसी तरह से आपका AD क्या आएगा AD देखो आपका क्या आ रहा है तो आपका कंप्लीट आ रहा है ना पर हमने हाफ ऑफ AD ले रहा है तो हाफ ऑफ AD आपका क्या आ जाता है हाफ ऑफ AD that will be equal to R plus R divided by 2, ठीक है? So this I am just putting hypothetically to explain. Okay? Nearest neighbor distance आपका R plus R divided by 2. उसी तरह से आपका ठीक है? ये चार equations हमारी आ गई. अब हमने क्या करना है कि दोनों equations को हमने divide कर देना है. ठीक है सो डिवाइड करो आप इक्वेशंस आपकी क्या आ जाएगी डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन इसको आप दोनों को अगर करोगे इसको इस तरह से डाल सकते हैं ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन वन ठीक है इक्वेशन टू आपकी क्या आ रही है आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू थ्री बाय टू इंटू ए दो इक्वेशन हमारी आ गई दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन ठीक है इक्वेशन वन सो सेकेंड इक्वेशन आपकी है आर प्लस आर डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन आर दैट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन अंडर रूट ऑफ थ्री बाय टू इंटू ए इंटू इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट ऑफ टू इंटू ए ठीक है ये आ गया सो आपका ये और ये भी कट गया ये और ये भी कट गया राइट सो आर प्लस आर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री बाय अंडर रूट ऑफ टू यही आ रहा है ओके जैसे हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में किया था हम इसको एक्सप्रेशन को वन प्लस आर अपॉन आर ले सकते हैं ठीक है वन प्लस आर अपॉन आर अगर हम लेंगे तो ये आपका आ जाता है अंडर रूट ऑफ थ्री बाय अंडर रूट ऑफ टू यही आ गया ना बाकी तो हमारा सब कट गया है सो आर अपॉन आर आपका क्या आ गया माइनस वन
ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 बाय अंडर रूट ऑफ 2। अब इसकी वैल्यू अगर आप इसको करोगे सॉल्व करोगे तो फर्दर इसे इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, आर ऑन आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 0.225। सो क्या रिलेशन हो गया, R इज इक्वल टू 0.225 इंटू आर, R is equal to 0.225 into R, which means the radius of the tetrahedral void, that is 0.225 times the radius of the atom. तो कौन सा छोटा है, octahedral void की tetrahedral void? Tetrahedral void is smaller, ठीक है, because it is यहाँ पे आपका 0.225 आ रहा है, वहाँ पे आपका 0.414 आ रहा है। Have you understood? Tetrahedral void is always smaller than your octahedral void. ठीक है? The next we go on to इसी से link करते हैं एक और topic which is known as your radius ratio. Radius ratio हमारा क्या होता है? It is the ratio of the cation to the ratio of the anion. ठीक है? अब जो कैटायन का साइज है दैट इज ऑलवेज लेस देन द साइज ऑफ द एनायन, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा जो रेडियस रेशियो आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो इसलिए रेडियस रेशियो आपका जो है दैट ऑलवेज कम्स लेस देन 1। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस रेशियो? ये हमें हेल्प करता है टू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, और ये हमें प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है द ज्योमेट्री ऑफ द रेडियस रेशियो। में क्या होता है कि उसमें आपके पास रेंजेस रहते हैं, जैसे इस रेंज से इस रेंज के अंदर है तो उसका जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर इस रेंज से इस रेंज के अंदर है तो उसकी ज्योमेट्री हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल ड्रॉ अ टेबल First is your radius ratio, second is your coordination number, third is your geometry, and fourth is your exam. तो हम सबसे छोटी वाली रेंज से शुरू करेंगे, आपकी जो फर्स्ट रेडियस रेशियो की रेंज आती है दैट इज बिटवीन 0.155 to 0.225। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेडियस रेशियो इसकी रेंज में आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, ठीक है, एंड द ज्योमेट्री इज triangular planner, ठीक है, geometry is triangular planner, और example हमारा जो इसमें आता है that is B2O3, ठीक। उसके बाद (0.225 to 0.414) the coordination number over here that is going to be equal to 4,
ठीक है, एंड द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। एग्जाम्पल जो हम इसमें ले सकते हैं दैट कैन बी जिंक ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट इज 0.414 से लेके 0.732, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल बी 6 एंड द ज्योमेट्री ओवर हियर इज ऑक्टेट। और एग्जांपल आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। देन द लास्ट इज 0.732 से 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल नाउ बिकम 8, द ज्योमेट्री इज सिंपल क्यूबिक। ठीक है, और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं सीजियम क्लोराइड, राइट। क्लियर हो गया। सो दिस इज योर रेडियस रेशियो, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इससे से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको केटायन का रेडियस दे दिया है और एनायन का रेडियस दे दिया है और उसके बेसिस पे आपने प्रिडिक्ट करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अगर आपका वो रेडियस रेशियो बिटवीन 0.155 से 0.225 तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, ठीक है। अगर 0.225 से 0.414 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर ये आएगा तो 6 एंड सो ऑन, ओके। अब इसमें कई बार ये क्या आता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया जाता है और बोलते हैं कि आपने क्या कहते हैं उसको, उसका केटायन का रेडियस जो है वो प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। सो इन दैट केस ऑल्सो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया है और एनायन का आपको रेडियस दे रखा है, सो केटायन का रेडियस आप किसी भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। या आपको अगर केटायन का रेडियस फाइंड करना है और कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है तो आप एनायन का रेडियस इसमें से कोई भी ले लो, जनरली हम लोग बड़ा वाला लेते हैं 0.225, तो आपने 0.225 एज रेडियस ऑफ एनायन ले लिया। सपोज आपको दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है। प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द एनायन, प्रिडिक्ट द साइज ऑफ द केटायन। तो कैसे करेंगे आप, R positive upon R negative, that is equal to अगर 4 coordination number दिया 0.41, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और modify कर देते हैं, आपको radius of the anion दिया हुआ है, कुछ भी suppose दिया हुआ है आपको radius of the anion as 0.25, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द केटायन आपका क्या आ जाएगा, 0.414 इंटू 0.25, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन इज यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब भी कोई एक यूनिट सेल्स लेते हैं तो उसमें हम उसकी तीन चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज डेंसिटी, द सेकेंड वन इज मास एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम, ठीक है। सो यूनिट सेल डायमेंशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी आपकी क्या होती है, नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम लोग मास लेते हैं किसी भी यूनिट सेल का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनटू इट्स एटॉमिक नंबर, यही लेंगे ना। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड के साथ, ठीक है, इनटू मास ऑफ द, कितना किसका मास ले रहे हैं, मास एटॉमिक मास, मास ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। सो मास ऑफ द यूनिट सेल दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनटू इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर आपका है ये तो हो गया टोटल,
जितने भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का मास, तो मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू व्हाट? वन एटम का मास हुआ उसका एटमिक नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह से मास ऑफ वन एटम निकालते हैं ना कि आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट गिव्स अस द मास ऑफ वन एटम। अब यहां पे आप लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं मास की, डेंसिटी आपका क्या आ जाएगा जेड इंटू एम अपॉन एम नॉट, ठीक है, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है। सो जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एम नॉट, ठीक है। अब जो ए आपका है दैट इज जनरली गिवन इन पीकोमीटर्स, पीकोमीटर्स में दिया गया होता है, और डेंसिटी आप सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हो, तो आपने इसको डिनोमिनेटर को अगर आपको ए पीकोमीटर्स में दिया है टेन रेज़ टू पावर माइनस 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेन रेज़ टू पावर आपका क्या है 1 पीकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और हमने उसका क्यूब लेना है, तो क्यूब जब हम लेंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर आपका क्या हुआ 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, राइट। सो डी डेंसिटी दैट बिकम्स इक्वल टू वॉट Z into M upon A cube into 10 raised to power minus 30 into 10 raised to power 23, ठीक है। अब Z हम कैसे लेंगे, अगर हम सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं और सिंपल क्यूबिक Z will be equal to 1, only one constant particle is present, अगर हम फेस सेंटर क्यूबिक ले रहे हैं इन दैट केस योर जेड विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर आप बॉडी सेंटर क्यूबिक ले रहे हैं इन दैट केस योर जेड विल बी इक्वल टू व्हाट, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट सेक्शन।